नमस्कार दोस्तों, मैं चिंत राजपूत स्वागत करता हूं आपका एडुलिस में। फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर के साथ में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी इंडियन पॉलिटी सीरीज़, जिसका सबसे पहला चैप्टर है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन पॉलिटी। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। दोस्तों, इंडियन पॉलिटी की जो शुरुआत होती है वो सब होती है 1765 से, और जिसका एंड होता है जा करके, मतलब फाइनलाइजेशन जिसका होता है वो होता है 1950 में, जब हमारे देश का संविधान बना। लेकिन इससे जुड़े हुए भी कुछ ऐसे इवेंट्स हैं जिसके बारे में हमें डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, ताकि एक प्लेटफॉर्म मिल सके हमें अपने आज के सब्जेक्ट को, अपने सब्जेक्ट को स्टार्ट करने के लिए। तो दोस्तों, बात शुरू होती है सन 1600 से, जब ब्रिटिश ट्रेडर्स की एक एसोसिएशन ने ईस्ट इंडिया नाम की एक कंपनी बनाई और क्वीन एलिजाबेथ से एक चार्टर के तहत भारत में व्यापार करने की परमिशन ली। अब चार्टर क्या होता है? चार्टर एक तरीके का इंग्लैंड में रिटर्न परमिशन मान लीजिए, कि जो कि ट्रेडर्स ने किंग्स से लेंगे, और जो भी वो व्यापार करेंगे और उस व्यापार से जो भी मुनाफा होगा वो सब, उसमें से कुछ परसेंट जो होगी वो सरकारी खजाने में जाएगा। तो इस सौदे के तहत ब्रिटिश ट्रेडर्स जो थे वो इंडिया आए व्यापार करने के लिए। इस दौरान 1765 में जाकर के उनके हाथ में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी लगी। उसके बाद 1857 में सेपॉय म्यूटिनी हुई, 1858 में क्राउन का रूल आया, 1946 में हमने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई आज़ाद भारत की, और 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान बना। तो जो ये टाइम पीरियड आप देख रहे हैं ये वाला, तो ये है हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल। और जो ये पीरियड है ये है क्राउन रूल, यानी के जो असल ब्रिटिश रूल कहा जाए। तो दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि 1600 में अंग्रेज आए और 1765 में जाकर के उन्होंने दीवानी हासिल करी और उसके बाद राज करना शुरू करा। तो इस टाइम पीरियड को अगर हम देखें तो ये कुल मिला के बैठता है 165 साल। अंग्रेज क्या सोए हुए थे क्या 165 साल तक के हम राज भारत पे कब करेंगे, या उन लोगों ने कभी ऐसा सोचा ही नहीं? दरअसल बात यह थी, वो ट्रेडर्स थे, व्यापारी थे, और उनका जो मेन मकसद था भारत आने का वो सिर्फ और सिर्फ व्यापार था, ना कि राज करना। जैसे कि हम इससे पहले के बारे इवेंट्स के बारे में जिक्र करें, जिसमें तुर्क भारत आए, मुगल भारत आए, उनका काम यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन करना था, लेकिन ब्रिटिशर्स का जो मेन एम था वो सिर्फ और सिर्फ ट्रेड था। तो इसलिए उन्होंने ज़्यादा इसमें दखलंदाजी नहीं करी और सिर्फ अपने व्यापार से मतलब रखा। बात करें मुगल काल के आखिर समय की, जब सन 1700 के आसपास, जो कि औरंगजेब के बाद का टाइम था, उसमें मुगल एडमिनिस्ट्रेशन जो था उसमें बहुत ज़्यादा अनस्टेबिलिटी आ गई। मतलब आज नया शासक बनाया जा रहा है, फिर उसके नीचे वाले ने उसको मार करके कोई और बन करके बैठ गया। तो इतनी अनस्टेबिलिटी में व्यापार का करना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल था। साथ ही साथ ये होता था कि नए राजा नए कानून के साथ प्रशासन को चलाते थे, नए कानून लागू कर देते थे, जिससे कि जो ब्रिटिश ट्रेडर्स थे उनको बहुत ज़्यादा ही परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा था, और साथ ही साथ उनके व्यापार को भी नुकसान हो रहा था। जिसको देखते हुए अंग्रेज़ों ने ये रणनीति बनानी शुरू करी कि भारत में अगर व्यापार को बढ़ाना है, ब्रिटिश ट्रेड को अगर भारत में बढ़ाना है, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ट्रेडर बनकर के ऐसा नहीं किया जा सकता, यहाँ पर हमें अपने हाथ में एडमिनिस्ट्रेशन को भी अपने हाथ में लेकर के चलना पड़ेगा। और इसकी शुरुआत हुई जब 1757 में अंग्रेज़ों ने पहला युद्ध लड़ा। उसमें जो बंगाल के नवाब थे उस वक्त के, सिराजुद्दौला, वो जो है वो दीवानी गवा बैठे बंगाल, इन अंग्रेज़ों को दीवानी गवा बैठे। और 1757 के बाद में आया आपका 1764 में बक्सर का युद्ध, जिसके बाद बिहार की दीवानी भी इनके हाथ लग गई। तो टोटल 1765 में जा करके अंग्रेज़ों के हाथ बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी लग गई। दीवानी का मतलब होता है रिवेन्यू और जुडिशरी, ये दोनों की दोनों अंग्रेज़ों के हाथ में आ गई। लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो अभी भी वहाँ के राजाओं को इन्होंने सौंप रखा था, क्योंकि
ये सिर्फ और सिर्फ व्यापार और मुनाफे से इन्हें मतलब था, इन्हें राज करने से ऐसा नहीं था, क्योंकि इन्होंने सोचा कि हमारे हाथ में व्यापार से जुड़ी हुई जो जो अहम चीज़ें हैं वो अभी हैं, तो हम एडमिनिस्ट्रेशन के चक्कर में क्यों पड़े। तो इसलिए इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन ना लेते हुए सिर्फ और सिर्फ वहाँ की दीवानी जो थी उस पर कब्जा किया सबसे पहले। और कहा यह जाता है कि इस दौरान जब से बंगाल की दीवानी इनके हाथ में आई थी, यानी कि अब दीवानी इनके हाथ में है, तो ड्यूटी फ्री टैक्स फ्री ट्रेड ये लोग कर सकते थे, मतलब इनको टैक्स अब किसी को देना नहीं था, जिसकी वजह से कहा यह जाता है कि कंपनी का जो मुनाफा था वो दुगना तिगना या चौगुने हद तक जो है बढ़ चुका था। और कहानी कुछ इस तरह से है कि जब ये व्यापारी ब्रिटेन जाते थे तो वहाँ के जो लोकल व्यापारी थे ब्रिटेन के, उनको ये देख करके इन व्यापार देख करके हैरानी होती थी, और फिर मांग उठने लगी कि हम भी जो है वो भारत में जा करके ट्रेड करने के इच्छुक हैं। और क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो चार्टर के तहत भारत में व्यापार कर रही थी, तो उसकी मोनोपोली थी कि मतलब भारत में सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार कर सकती है। तो मांग ये उठने लगी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली को ख़त्म किया जाए और बाकी जो जो ट्रेडर्स हैं उनको भी व्यापार करने का मौका दिया जाए भारत में। अब ब्रिटिश पार्लियामेंट में इस चीज़ के ऊपर घमासान चल ही रहा है, लेकिन जो ब्रिटेन के शासक हैं वहाँ पर, उन्होंने क्या किया, अब यहाँ पर क्या था, चार्टर के तहत वो लोग थोड़ा बहुत इनको मुनाफा मिलता था, लेकिन ब्रिटिश शासकों ने क्या रणनीति बनाई कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी को ये लोग एज ए ट्रेडर नहीं छोड़ना चाहते थे, क्योंकि ये लोग धीरे 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 भारत के ऊपर कब्जा भी कर रहे थे। तो इनके जो जितने भी अफेयर्स थे इस चीज़ को, इसको कंट्रोल करने के लिए ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने कुछ रूल्स और रेगुलेशन बनाए, या कुछ एक्ट्स जो थे वो बनाए। तो दोस्तों, जो सबसे पहला एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी पर लागू किया, उसका नाम दिया गया रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। अब नाम से ही आपको पता चल रहा है कि रेगुलेटिंग कहा जा रहा है इसको, यानी कि ये जितने भी इसके अफेयर्स हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में, उन सबको रेगुलेट करेगा। तो ये सबसे पहला एक्ट था ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर, जिसके तहत इनको अब भारत के अंदर शासन करना था। इस एक्ट का काम था कंट्रोल करना, रेगुलेट करना ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी अफेयर्स हैं इंडिया में। और इसी एक्ट ने सबसे पहली फाउंडेशन रखी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की। इस एक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर इस तरह से हैं कि सबसे पहले तो इन्होंने ये किया कि गवर्नर ऑफ बंगाल की उपाधि को बदल करके कर दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, जिनके अंडर में 4 मेंबर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी बनाई गई। सबसे पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग, और उनके अंडर में कर दिए गए गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास। और यहीं इसी और 1774 में सुप्रीम कोर्ट बना कलकत्ता में, जिसमें कि एक चीफ जस्टिस थे और उनके साथ में 3 अदर जजेस। इस एक्ट को लागू करने के साथ ही कंपनी के जितने भी प्राइवेट ट्रेड थे वो सभी के सभी खत्म कर दिए गए, और उन पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी लगाई गई कि वो नेटिव्स जो हैं वहाँ के, मतलब इंडिया इंडियंस जो हैं वहाँ से, वो ना तो रिश्वत लेंगे ना किसी तरीके का कोई भी उपहार के रूप में कुछ भी अगर दिया जाए तो उसको भी वो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और अब क्योंकि ब्रिटिश पार्लियामेंट जो थी वो कंट्रोल कर रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स को, तो इसको और मजबूत करने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की एक गवर्निंग बॉडी भी बनाई गई, जिसका काम था रिवेन्यू, सिविल और मिलिट्री पर जितने भी इसके ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स हैं उनको ब्रिटिश पार्लियामेंट को रिपोर्ट करना। इसके बाद जो एक्ट आया उसका नाम था पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। इसमें कहा यह गया कि इस एक्ट को लाया गया है जो रेगुलेटिंग एक्ट्स के डिफेक्ट्स हैं 1773 के, उनको दूर करने के लिए। पर दरअसल ब्रिटिश पार्लियामेंट कर क्या रही थी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉयज थे या ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसके ऊपर अपना शिकंजा और ज़्यादा मजबूत करती जा रही थी धीरे धीरे, जिसके लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 1781 में एक लॉ पास किया, एक एक्ट पास किया, जिसे कहा गया एक्ट ऑफ सेटलमेंट। मतलब कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी जितनी भी टेरिटरीज पर कब्जा करेगी वो सभी के सभी ब्रिटिश पोजेशन के अंडर में चले जाएंगे, यानी कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पे नहीं बल्कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के नाम पर वो कब्जे हो रहे थे, ब्रिटिश राज के नाम पर वो कब्जे हो रहे थे भारत की टेरिटरी के जितने भी।
और फाइनली जो इसका अमेंडेड पार्ट था 1784 में, उसको कहा गया पिट्स इंडिया एक्ट, और इसी के साथ इसको भारत में लागू भी कर दिया गया। इस एक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स इस तरह से हैं कि इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शंस थे उनको अलग अलग कर दिया गया, और डबल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट भी इंट्रोड्यूस किया गया। जहाँ 1773 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की एक गवर्निंग बॉडी बनाई गई थी, अब 1784 में बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम से भी एक गवर्निंग बॉडी इसके अंदर डाली गई। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का काम था जितने भी कमर्शियल अफेयर्स हैं उनको देखना, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का काम था वहाँ के सिविल और मिलिट्री अफेयर्स को देखना। बोर्ड ऑफ कंट्रोल को एम्पावर किया गया सिविल और मिलिट्री अफेयर्स के साथ, और ये साथ ही साथ रिवेन्यू भी देखती वहाँ का, ब्रिटिश पोजीशन का जो भी इंडिया में था। इस एक्ट की सिग्निफिकेंस ये है कि पहली बार कंपनी की जितनी भी टेरिटरी थी, जो भी उन्होंने आज तक हथियाया था भारत में, जितना भी उन्होंने एरिया हथियाया था, अब उसको ब्रिटिश पोजीशन कहा जाने लगा। और इसी के साथ ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो है वो सुप्रीम कंट्रोल हो गया ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स और एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। फ्रेंड्स, पिट्स इंडिया एक्ट के बाद में आया चार्टर एक्ट ऑफ 1833। अब इस एक्ट में सबसे पहला प्रोविजन ये था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रेड मोनोपोली थी उसको ख़त्म कर दिया गया, और अब इनकी जो ट्रेड मोनोपोली सीमित होकर के रह गई थी, सिर्फ टी और चाइना के साथ का जो ट्रेड था उस वहाँ वहीं तक ही सीमित रह गई थी। क्योंकि देखा ही जाने लगा कि इस दौर की शुरुआत में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो था वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ में, वो वहाँ पर शुरू होने लगा था, यानी कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की नींव रखी जा रही थी वहाँ पर। और इसी के साथ में बहुत से ऐसे ट्रेडर एसोसिएशन थी जो कि दबाव बना रही थी ब्रिटिश पार्लियामेंट के ऊपर कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है मोनोपोली ट्रेड के लिए वो ख़त्म की जाए। तो उसके लिए एक्ट बनाया गया 1833 का एक्ट। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स भी ऐड किए गए, जिसमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की उपाधि को बदल करके कर दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि अब जो छोटे से एरिया का बंगाल के गवर्नर जनरल थे, अब उनको पूरे भारत का गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। तो यानी कि सेंट्रलाइज कर दिया अभी इन्होंने पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को, और इसी के साथ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को सिविल और मिलिट्री पावर्स भी दी गई। पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने लॉर्ड विलियम बेंटिक। और इस एक्ट के आने के बाद जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी की लेजिस्लेटिव पावर थी, यानी कि अपने टेरिटरी में रह करके वो लोग वहाँ पर अपने रूल रेगुलेशन बना सकते थे, लेकिन अब वो किसके हाथ में चले गए, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के। और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंटायर ब्रिटिश इंडिया के लिए उनको एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर्स भी दी गई। इसी के साथ साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का रोल जो कि एक कमर्शियल बॉडी के रूप में शुरू हुआ था, अब वो प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बन गई। इस एक्ट में प्रपोजल रखा गया सिस्टम ऑफ ओपन कंपटीशन का, जिसके तहत इंडियंस को भी अलाउ किया गया कि वो लोग भी ICS यानी कि इंडियन सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम दे सकते हैं, और ब्रिटिश जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके अंदर कोई सी भी ऑफिस में या उनको कोई भी पोस्ट दी जा सकती है, अंडर एम्प्लॉयमेंट अंडर द कंपनी, यानी कंपनी के अंडर में वो लोग काम कर सकते हैं। लेकिन इस प्रोविज़न को जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं उन्होंने हटा दिया। फ्रेंड्स, इसके बाद में आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1853। इसके साथ इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स इस तरह से हैं कि इसमें गवर्नर जनरल का जो काउंसिल था उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, उसके कामकाज को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। सबसे पहला था लेजिस्लेचर, दूसरा था एग्जीक्यूटिव। मतलब एक पार्ट एक जो है एक एक कमेटी जो है वो सिर्फ कानून बनाएगी, और दूसरा जो उन कानूनों का पालन करेगी। इसमें 6 नए मेंबर भी ऐड किए गए जिनको लेजिस्लेटिव काउंसलर टू द काउंसिल कहा गया। और यहाँ से देखा जाता है कि मिनी पार्लियामेंट सिस्टम भी इंट्रोड्यूस किया गया जैसे कि ब्रिटेन में था। इस चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में जो प्रोविजन लास्ट में मना कर दिया गया था ओपन कंपटीशन का, वो इसके अंदर इंक्लूड किया गया अंडर मैकुले कमेटी जो कि 1854 में अपॉइंट हुई थी। और यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट फीचर देखा जाता है वो ये था कि इसमें कोई भी स्पेसिफिक टाइम पीरियड नहीं दिया गया था कंपनी रूल के लिए, यानी कि जब पहले चार्टर बनते थे तो उसमें एक टाइम पीरियड दिया जाता था, यानी कि उसमें एक टाइम पीरियड डाला जाता था कि इतने साल तक के लिए या ये चार्टर जो है ये लागू किया गया है।
लेकिन इस चार्टर में कोई भी ऐसा टाइम पीरियड स्पेसिफाई नहीं किया गया। इसका मतलब ये था कि ब्रिटिश पार्लियामेंट कभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी को उस ओहदे से या उस पद से हटा सकती थी जो कि उसके पास अभी था, यानी कि उनको कभी भी लात पड़ सकती थी। और इस एक्ट के साथ में पहली बार इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में लोकल रिप्रेजेंटेशन को भी मौका दिया गया, क्योंकि लेजिस्लेटिव काउंसिल में टोटल 6 मेंबर थे, जिसमें से 4 मेंबर जो थे वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के थे, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ मद्रास, बॉम्बे, बंगाल एंड आगरा। और फिर 1857 में जब सेपॉय म्यूटिनी हुई, यानी कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी जिसे कहा जाता है, तो उसके बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी का राज जो था वो ख़त्म कर दिया, और उसके बाद से शुरू हुआ क्राउन रूल। तो 1858 से शुरू हुआ क्राउन रूल 1947 में जाकर ख़त्म होता है और भारत आज़ाद होता है, और इसके बाद 1950 में हमारे देश का संविधान बनता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो दोस्तों, जब भारत में क्राउन रूल आया तो इस दौरान भारत को रूल करने के लिए भी बहुत तरह के इन्होंने नए नए कानून बनाए, जिसमें से पहला कानून है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इस एक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर ये था कि इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा करके ब्रिटिश रूल वो स्टार्ट हुआ, यानी कि अब जो भारत के नाम पर शासन था वो था हर मैजेस्टी का, यानी कि क्राउन का। और इसी के साथ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट भी बदल करके कर दी गई वाइस रॉय ऑफ इंडिया। साथ ही इसके डबल गवर्नमेंट सिस्टम, जो कि हमने देखा था पिट्स इंडिया एक्ट के दौरान लागू किया गया था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इसको इस सिस्टम को भी ख़त्म कर दिया गया, और एक नया ऑफिस बनाया गया जिसका नाम था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, जिसके अंडर में कंप्लीट अथॉरिटी और कंट्रोल थी इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन की। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मेंबर थे ब्रिटिश कैबिनेट के, और अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल थे ब्रिटिश पार्लियामेंट को। और इसी के साथ 15 मेंबर की एक काउंसिल भी बनाई गई, जिसका काम था सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट को असिस्ट करना, लेकिन ये जो काउंसिल थी इसका ये सिर्फ एक एडवाइजरी बॉडी थी, मतलब इसका काम एडवाइज करने का था, और एसओएस जो थे वो अपने डिसीजन लेने के लिए इंडिपेंडेंट थे। इस कमेटी के चेयरमैन थे एसओएस, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। और फ्रेंड्स, इसी के साथ इंट्रोड्यूस किया गया इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, जिसमें शुरुआत हुई रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस की भारत के अंदर, और भारतीयों को भी लॉ मेकिंग प्रोसेस के साथ जोड़ा गया। दरअसल दोस्तों, 1857 में जब क्रांति हुई थी तो उस वक्त कुछ भारतीयों ने अंग्रेजों का भी साथ दिया था, और इसको देखते हुए जो प्रोविंसेस या जो रियासतें अंग्रेजों ने हड़पी थी 1857 से पहले, जैसे कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत बहुत सी ऐसी रियासतें थी या जो ब्रिटिश कंट्रोल के अंडर में आ गई थी, उनको उनके वंशजों को वापस कर दिया गया, क्योंकि अंग्रेजों का ऐसा मानना था कि वो लोग अकेले जो हैं भारतीयों पे इस तरीके से राज नहीं कर सकते, ऐसे भारतीयों को उन्हें अपने साथ ज़रूर मिलाना पड़ेगा जो वक्त आने पर या ज़रूरत पड़ने पर उनका साथ दे सकें। तो इसीलिए इस एक्ट के तहत ये प्रोविज़न जोड़ा गया कि भारतीयों को वायसराय जो है नॉमिनेट कर सकते हैं अपने एक्सपेंडेड काउंसिल में, लेकिन ये भारतीय क्या होंगे, ये सिर्फ नॉन ऑफिशियल मेंबर होंगे, यानी कि इनको डिसीजन लेने की पावर नहीं होगी उस काउंसिल के तहत। और ऐसा करते हुए 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला और सर दिनकर राव को लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉमिनेट किया। इस एक्ट के साथ में डिसेंट्रलाइजेशन शुरू हुआ लेजिस्लेटिव पावर्स का ऑफ बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी। 1833 के चार्टर एक्ट में हमने देखा कि किस तरह से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की एक पोस्ट बनाई गई और सभी की सभी पावर इसको सेंट्रलाइज की गई। अब इस प्रोसेस में 1861 में इस सभी प्रोसीजर को क्या किया जा रहा था, इसको डिसेंट्रलाइज कर रहे थे, यानी कि बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी की जो लेजिस्लेटिव पावर थी उनको वापस की जा रही थी। 1862, 1866 और 1897 में कुछ नई लेजिस्लेटिव काउंसिल्स भी बनाए गए,
जिसमें से थे बंगाल, NWFP और पंजाब। वायसराय को ये पावर भी दी गई कि वो जैसे चाहें उस तरह से अपने रूल बना सकते हैं ताकि काउंसिल को सही से चला सकें। और इसमें पोर्टफोलियो सिस्टम जो जिसे इंट्रोड्यूस किया था लॉर्ड कैनिंग ने 1859 में, उसको भी इसके अंदर इंट्रोड्यूस किया गया। अब पोर्टफोलियो सिस्टम यह है कि पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के अंडर में सभी डिपार्टमेंट या मिलिट्री ये देख रहे हैं, सिविल ये देख रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन इस केस में क्या था कि वायसराय के जो काउंसिल है यानी और उसके जो मेंबर हैं उन हर एक को एक या एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट बांट दिए जाएंगे और वो लोग अपने एंड पर फाइनल अथॉरिटी होंगे कोई भी डिसीजन लेने के लिए। तो इस एक्ट में ये प्रोविज़न डाला गया, पोर्टफोलियो सिस्टम इसके अंदर इंक्लूड किया गया। फ्रेंड्स, इसके बाद आता है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। इस एक्ट के तहत नॉन ऑफिशियल मेंबर की गिनती को बढ़ा दिया गया दोनों सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में, और साथ ही ऑफिशियल मेजोरिटी को भी इंक्रीज किया गया। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि 1885 में कांग्रेस का गठन हुआ और उसके बाद से नेशनल लीडर ये डिमांड करने लगे कि इंडियंस को भी रिप्रेजेंटेटिव बनाया जाए गवर्नमेंट में, लेकिन अंग्रेज ऐसा कतई नहीं चाहते थे। तो किसी भी तरह के अपोजिशन को रोकने के लिए उन्होंने क्या चाल सुझाई कि नॉन ऑफिशियल मेंबर की गिनती बढ़ा दी और इंडियंस को ये दिखाया कि हाँ अंग्रेज जो हैं वो इंडियंस को भी एज अ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट में एब्जॉर्व करने के लिए तैयार हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ एक चाल के तहत हो रहा था। मतलब वो लोग ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते थे कि इंडियंस भी इसके इस तरह से रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर गवर्नमेंट में शामिल हों। इस एक्ट के तहत जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के फंक्शंस थे उनको भी इंक्रीज किया गया, जैसे कि अब ये लोग बजट डिस्कस कर सकते थे और क्वेश्चन एड्रेस कर सकते थे एग्जीक्यूटिव्स को। इस एक्ट के तहत ये प्रोविजन भी रखा गया कि वायसराय ऑन रिकमेंडेशन ऑफ बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकते हैं सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। और इसी तरह से गवर्नर को ये अथॉरिटी दी गई कि वो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड या म्यूनिसिपैलिटीज़ या यूनिवर्सिटीज़ या ट्रेड एसोसिएशन, ज़मींदार या चैम्बर्स की रिकमेंडेशन पे कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉमिनेट कर सकते हैं। काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 के बाद में आया काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, जिसको मोरले मिंटो रिफॉर्म के नाम से भी हम जानते हैं। मोरले उस वक्त के सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट थे और मिंटो उस वक्त के वाइस रॉय। इस एक्ट के तहत सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल की जो सीट थी या जो नंबर था उसको बढ़ा करके 16 से 60 कर दिया गया, लेकिन प्रोविंशियल जो था वो अभी भी नॉन यूनिफॉर्म था। इस एक्ट में जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के कुछ फंक्शंस थे उनको बढ़ाया गया, जैसे कि अब वो लोग सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछ सकते थे या रेजोल्यूशन पास कर सकते थे बजट के ऊपर। तो फ्रेंड्स, इस एक्ट के तहत ये था कि अब इंडियंस जो हैं वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वायसराय और गवर्नर को इसको ज्वाइन कर सकते थे। तो आपके लिए आज का जो सवाल है वो ये है कि वे कौन से पहले भारतीय थे जिन्होंने वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल को ज्वाइन किया था? अपने जवाब को कमेंट सेक्शन में लिख के मेंशन कीजिए। लेकिन फ्रेंड्स, अगर इस एक्ट पर नज़र एक बार हम डालें तो पाएंगे ये कि ये सबसे पहला एक्ट था जिसमें डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी जो है वो अंग्रेज़ों ने अपनाई थी, क्योंकि इसी एक्ट में ही उन्होंने कम्युनल रिप्रेजेंटेशन दिया था मुस्लिम्स को, जिसमें कंसेप्ट था सेपरेट इलेक्टोरेट का। सेपरेट इलेक्टोरेट मतलब मुस्लिम मेंबर्स को सिर्फ मुस्लिम वोटर्स ही चूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, 1909 के एक्ट के बाद में आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909। दरअसल 1914 में जब वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो उसके बाद अंग्रेज़ों ने बिना नेशनल लीडर्स को पूछे हुए भारत ये अनाउंस कर दिया कि भारत भी वर्ल्ड वॉर में हिस्सा ले रहा है, लेकिन इसका अपोज किया उस वक्त के नेशनल लीडर्स थे हमारे गांधी जी, जिनकी एंट्री 1915 में हो चुकी थी भारत के अंदर और 1917 में उन्होंने चंपारण का सत्याग्रह किया था, जो कि सबसे पहला सत्याग्रह था उनका। और इसके बाद नेशनल लीडर्स ये डिमांड करने लगे कि उनको एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट दी जाए या जहां जिसमें भारतीयों का भी योगदान हो, ऐसी एक गवर्नमेंट बनाई जाए। तो 1917 में अंग्रेज़ों ने ये चाल खेली कि भाई
हम जो है वर्ल्ड वार ख़त्म हो जाने दो, और उसके बाद आपको जो है एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बना करके देंगे जिसमें भारतीयों का भी योगदान होगा, भारतीयों का भी हिस्सा होगा उसमें। अब जब 1980 में वर्ल्ड वार ख़त्म हुआ तो ये एक्ट लाया गया 1919 में, जिसका नाम दिया गया मोंटेक चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। उस वक्त के सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट थे मोंटेक, और चेम्सफोर्ड जो थे वो उस वक्त के वायसराय थे। ये एक्ट आया 1921 में, लागू जो हुआ वो 1921 में लागू हुआ। इस एक्ट के तहत जो सेंट्रल कंट्रोल था प्रोविंसेस के ऊपर, उसमें कुछ ढील बरती गई, और सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट जो थे उनको अलग-अलग कर दिया गया। लेकिन अभी भी सेंटर का जो यूनिटरी स्ट्रक्चर था वो मौजूद था। कहने का मतलब सेंटर जो है वो प्रोविंशियल कामकाजों में दखल दे सकती थी, और साथ ही प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, जिसमें सबसे पहला था ट्रांसफर सब्जेक्ट्स और दूसरा था रिजर्व सब्जेक्ट्स। ट्रांसफर सब्जेक्ट्स वो थे जिनको गवर्नर एडमिनिस्टर करने वाले थे मिनिस्टर्स की हेल्प से, और साथ ही साथ वो रिस्पॉन्सिबल थे लेजिस्लेटिव काउंसिल को ट्रांसफर सब्जेक्ट्स के तहत। और रिजर्व सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट थे जिन्हें गवर्नर और उनके एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है एडमिनिस्टर करते, लेकिन इस केस में वो रिस्पॉन्सिबल नहीं थे लेजिस्लेटिव काउंसिल को। एक्ट ऑफ 1919 के तहत डायरेक्ट इलेक्शंस और बाय कैमरलिज्म का प्रोविजंस भी ऐड किया गया, जिसके तहत इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, अपर हाउस और लोअर हाउस में। अपर हाउस था काउंसिल ऑफ स्टेट्स, जिसे हम आज राज्यसभा के नाम से जानते हैं, और लोअर हाउस था लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसे हम आज लोकसभा के नाम से जानते हैं। मेंबर्स को डायरेक्ट इलेक्शंस के जरिए इलेक्ट किया जाना था, और वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में अब इंडियंस की गिनती बढ़ा करके 3 कर दी गई थी, यानी टोटल 6 में से अब 3 इंडियंस थे। लेकिन साथ ही साथ इसमें कम्युनल रिप्रेजेंटेशन जो थी, जो कि 1909 में इंक्लूड की गई थी, जो कि सिर्फ मुस्लिम्स तक ही सीमित थी, अब उसको बढ़ा करके सिख, इंडियन क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस और यूरोपियंस तक बढ़ा दिया गया। यानी कि टोटली जो एकता की भावना जो हमारे नेशनल लीडर्स उस वक्त लोगों में पैदा करने जा रहे थे या पैदा कर रहे थे, उसके उलट अंग्रेज़ क्या कर रहे थे कि वो लोग जो है कम्युनलिज्म को बढ़ावा दे रहे थे साथ ही साथ। और इस एक्ट के तहत हाई कमीशन ऑफ इंडिया नाम का एक नया ऑफिस भी ऐड किया गया, जो कि लंदन में था, और SOS के यानी सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट्स के कुछ फंक्शंस वहाँ पर उसको ट्रांसफ़र कर दिए गए थे। इस एक्ट के तहत सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन भी सेटअप किया गया 1926 में, जिसका काम था इंडियन सिविल सर्विसेज को रिक्रूट करना। इस एक्ट में पहली बार प्रोविंशियल बजट और सेंट्रल बजट को सेपरेट किया गया। इस एक्ट में ये भी प्रोविजन था कि 10 साल बाद एक स्टैचुरी कमीशन बनाया जाएगा, इसका काम होगा इस एक्ट की वर्किंग के ऊपर रिपोर्ट सबमिट करना, जिसका नाम था साइमन कमीशन। सन 1927 में इस कमीशन का गठन हुआ, जो कि 2 साल पहले था। 1919 में ये एक्ट बना था और 1929 में कमीशन का गठन होना था, लेकिन 1927 में ही इस कमीशन को बना दिया गया, जो कि 2 साल पहले था अपने शेड्यूल से। इसमें ये 7 मेंबर का कमीशन था, जिसमें एक भी इंडियन नहीं था। इसके चेयरमैन थे सर जॉन साइमन, और इस कमीशन का सभी पार्टियों ने अपोज किया था, चाहे वो कांग्रेस थी या मुस्लिम लीग थी, सभी पार्टियों ने इस कमीशन को अपोज किया था। अब इंडियंस के लिए आप गवर्नमेंट बना रहे हैं और कह रहे हैं कि रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट देंगे इंडियंस को, और उसमें एक भी इंडियन नहीं है उस कमीशन के अंदर, तो ये क्या था? ये लोग, ये अंग्रेज़ क्या कर रहे थे? सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ बनाने की नीतियाँ थी इनकी। इस एक्ट की रिकमेंडेशन कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहला, अबॉलिशन ऑफ डायरकी, कि डायरकी को ख़त्म करो। दूसरा था कि रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाया जाए प्रोविंसेस के अंदर, और साथ ही ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट्स की एक फेडरेशन बनाई जाए, और कम्युनल इलेक्टोरेट जो कि 1909 और 1919 में इन्होंने ऐड किए थे, इसको भी कंटिन्यू करके रखा जाए। इसका एंड रिजल्ट ये हुआ कि 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें सबसे पहली में तो किसी ने पार्टिसिपेट किया ही नहीं था। कमिटी की जो रिकमेंडेशंस थी उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में इंक्लूड किया गया। 1932 में पोलिटी
ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रैमसे मैकडोनल्ड ने कहा कि सेपरेट इलेक्टोरेट जो है उसको कंटिन्यू रखा जाएगा और साथ ही उसमें जो डिप्रेस क्लासेस हैं, जो जो शेड्यूल क्लासेस हैं, उनको भी इंक्लूड किया जाएगा। इस बात को सुन करके गांधी जी जो उस वक्त जेल में थे वो आमरण अनशन पर चले गए। अब आपके लिए दूसरा सवाल आज का ये है कि उस वक्त गांधी जी कौन सी जेल में थे, अपने आंसर को कमेंट सेक्शन में मैंशन कीजिए। इसके बाद हुआ यह कि गांधी जी और बी आर अम्बेडकर के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ जिसको हम पूना एक्ट पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। इस एग्रीमेंट में यह तय हुआ कि जो शेड्यूल क्लासेस के जो लोग हैं वो अपना समर्थन नहीं देंगे इस कम्युनल अवार्ड को, लेकिन जो नंबर ऑफ सीट्स हैं काउंसिल में वो बढ़ाई जाएंगी शेड्यूल क्लासेस के लिए। तो ये इस चीज़ पर दोनों की सहमति हुई, बी आर अम्बेडकर जी की और गांधी जी की, और इस एग्रीमेंट को हम पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। दोस्तों इसके बाद आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा आज है या जो 1950 में तैयार हुआ उसका जो ढांचा तैयार किया गया था वो एक्ट ऑफ 1935 से ही किया गया था, यानी कि यही उसका आधार था 1935 का जो एक्ट था। अब ये एक लेंदी और डिटेल्ड डॉक्यूमेंट था जिसमें कुल 321 सेक्शन थे और 10 शेड्यूल थे। इसमें ऑल इंडिया फेडरेशन जो है एस्टेब्लिश की गई और इसमें सेंट्रल और प्रोविंसेस के जो लिस्ट्स थी या जो उनके कामकाज के जो क्षेत्र थे, एरिया थे, वो डिवाइड किए गए। तो जो फेडरल लिस्ट थी यानी सेंट्रल की जो थी उसमें 59 आइटम्स थे, प्रोविंशियल लिस्ट यानी प्रांतीय उसमें 54, और कॉन्करेंट लिस्ट यानी कि जो दोनों, जिसमें दोनों का इंटरफेरेंस रहेगा, उसमें टोटल 36 आइटम्स थे। रेसिडरी पावर्स जो थी वो वायसराय के हाथ में थी, यानी अल्टीमेट पावर वायसराय को दे रखी है अभी भी, लेकिन फेडरेशन कभी बनी ही नहीं क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स ने उसको ज्वाइन ही नहीं किया। इस एक्ट में जो डबल गवर्नमेंट सिस्टम यानी डायरकी जो थी प्रोविंसेस के अंदर, ट्रांसफर सब्जेक्ट्स और रिजर्व सब्जेक्ट्स की, उसको हटा दिया गया और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को लागू किया गया। लेकिन इस एक्ट में देखने को मिलता है कि प्रोविंसेस में तो डुअल गवर्नमेंट सिस्टम यानी डायरकी जो थी वो उसको हटा दिया था, लेकिन सेंटर में उसका इंट्रोड्यूस किया गया, यानी कि ट्रांसफर और रिजर्व सब्जेक्ट्स जो थे वो इंट्रोड्यूस किए गए। ये प्रोविंसेस बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम और यूनाइटेड प्रोविंस, जिसे आज हम उत्तर प्रदेश के नाम से भी जानते हैं, उसमें बाई कैमरलिज्म यानी के लेजिस्लेचर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। इस एक्ट के तहत कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को, यानी कि शुरुआत हुई थी मुस्लिम से, फिर इसके अंदर आए सिख, क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, फिर इसमें शेड्यूल कास्ट को या शेड्यूल क्लासेस को इसके अंदर ऐड किया गया। अब फाइनली 1935 के एक्ट में इसमें शेड्यूल क्लासेस वुमेन और लेबर जो थे उनको भी इसके अंदर ऐड किया गया। 1935 के एक्ट में जो काउंसिल ऑफ इंडिया 1858 में बनी थी उसको भी अबॉलिश कर दिया गया, और साथ ही साथ इसमें 10% जो पॉपुलेशन थी उसकी फ्रेंचाइजी बढ़ाई गई, यानी कि उसके वोटिंग राइट्स जो हैं 10% पॉपुलेशन को अब अवेलेबल थे। इस एक्ट के तहत आरबीआई का गठन भी हुआ और साथ ही फेडरल पीएससी यानी कि सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसे आज हम यूपीएससी के नाम से जानते हैं, और प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन जो कि स्टेट पब्लिक, जिसे हम स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कहते हैं, उनका भी गठन हुआ। कई जगह पर जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन भी बनाए गए एक से ज़्यादा राज्यों के अंदर। और सबसे आखिर में आता है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, जिसके तहत भारत को आज़ादी मिलती है और ब्रिटिश राज का अंत होता है। और इसी एक्ट के तहत जो है इंडिया का पार्टीशन होता है दो डोमिनियन स्टेट में, पहला इंडिया और दूसरा पाकिस्तान। और इसी के साथ जो स्टेट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और वायसराय के ऑफिस थे वो दोनों के दोनों अबॉलिश कर दिए जाते हैं, ख़त्म कर दिए जाते हैं। क्राउन का रूल भी इसी के साथ एंड हो जाता है और इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 एम्पावर करता है दोनों डोमिनियन, पाकिस्तान और इंडिया को, कि वो अपनी मर्जी से जैसा चाहें वैसा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम कर सकते हैं और उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। और ब्रिटिश पार्लियामेंट का कोई भी एक्ट 15 अगस्त 1947 के बाद पास किया हुआ इन दोनों डोमिनियन के ऊपर लागू नहीं होगा। इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 के बाद ब्रिटिश पैरामाउंट सी जितनी भी होगी इंडियन प्रिंसली स्टेट्स पर, वो सारी की सारी लैप्स हो जाएगी यानी ख़त्म हो जाएगी, और
ब्रिटिशर्स की जितनी भी ट्रीटीज़ थी, ट्राइबल एरियाज़ हो या अड़ोस पड़ोस के जितने भी हो, वो सारी की सारी वो भी लैप्स हो जाएंगी। और इस एक्ट के तहत जब तक इंडिया अपना कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम नहीं कर लेती या पहली पार्लियामेंट, पहली इलेक्टेड पार्लियामेंट नहीं बैठ जाती, तब तक गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और गवर्नर ऑफ प्रोविंसेस को एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड जो है डेजिग्नेट किया गया, जिसमें लॉर्ड माउंटबेटन जो है वो पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया बने और 1946 में इंडिपेंडेंट इंडिया की पहली पार्लियामेंट बनी। और 26 जनवरी 1950 को हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया। तो दोस्तों ये था हमारा यहाँ तक पहले चैप्टर का सफ़र। आई होप के अभी तक इंडियन पॉलिटी जो अब शुरू होने जा रही है उससे पहले की कहानी आपको लगभग लगभग समझ में आ गई होगी। आप इस वीडियो को एक दो बार देखिए, आपके समझ में और अच्छे से आएगी ये। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसका टॉपिक होगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।